हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी लाइटरूम ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम अपने गैलरी से सिंपल से ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ये है अपना सिंपल सा ओरिजिनल पिक, जिसे अपन आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, वो भी HD क्वालिटी में। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की इस वीडियो में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि दोस्तों ये केवल लाइटरूम ऐप से ही इस तरह की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से ओरिजिनल पिक को दोस्तों आपको शेयर करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। लाइटरूम ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों लाइटरूम ऐप के अंदर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको सब पर अपने फेस एंड स्किन को स्मूथ करने के लिए राइट साइड से दोस्तों आपको ऊपर की तरफ सेलेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सिंपली से दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश के नीचे वाले डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से अपने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से टैप कर दोस्तों आपको रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से आपको फोटो को अपने फोटो जूम करना है। तथा दोस्तों आप जहाँ जहाँ अपने फेस एंड स्किन को स्मूथ और गोरा करना चाहते हो वहाँ वहाँ दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इसे सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको रेड कलर में जहाँ जहाँ दोस्तों आप इसे स्किन को स्मूथ एंड गोरा करना चाहते हो वहाँ वहाँ दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए रेड सर्कल में सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से ब्रश चलाना है तथा इस प्रकार से दोस्तों आपको रेड कलर में इसे अच्छे से सेलेक्ट कर देना है। जहाँ जहाँ आप अपने फेस एंड स्किन को गोरा करना चाहते हो वह स्मूथ करना चाहते हो, तो चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए मैं जहाँ जहाँ अपने फेस एंड स्किन को स्मूथ करना चाहता हूँ वह गोरा करना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी इसे रेड कलर में सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों मैं जहाँ पर भी अपने फेस एंड स्किन को गोरा करना चाहता हूँ वहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से रेड कलर से सेलेक्ट कर देने हैं। ऐसा कर दिया है मैंने। फिर दोस्तों आपको सिंपली से जो दोस्तों आपको ब्लू ट्रिक दिख रहा है ब्लू डॉट पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से एक बार क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों अब बारी है आपके फेस एंड स्किन को गोरा व स्मूथ करने के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको राइट साइड दोस्तों आपको थर्ड नंबर ऑप्शन इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्सचर, क्लियरिटी और डीहेज। सर्वप्रथम दोस्तों आप टेक्सचर की बात करते हैं। टेक्सचर को दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपका फेस एंड स्किन कुछ इस प्रकार से स्मूथ होने लगेगा। तो दोस्तों मैं इसे फुली डिक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से टेक्सचर को 100 रखने पर ये फेस स्मूथ हो चुका है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर ऑप्शन क्लियरिटी का मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। मैं कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेता हूँ 22। फिर दोस्तों आपको डीएच का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। डीएच डिक्रीज करने पर आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका फेस एंड स्किन गोरा होने लगेगा। आप जितना गोरा रखना चाहते हो उसे दोस्तों आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैं कुछ इस प्रकार से इसे 30 रख देता हूँ। इस प्रकार से रख लेने के बाद दोस्तों आपको इफेक्ट्स के नीचे वाले ऑप्शन डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉइस और शार्पनेस का।
सिंपली से दोस्त आपको इसकी नॉइज को आप अगर इंक्रीज करोगे तो आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसकी नॉइज को इंक्रीज कर लेना है। मैं इसे कुछ इस प्रकार से 51 रख लेता हूँ। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको शार्पनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है, जिससे दोस्तों आपके फोटो में कुछ इस प्रकार से अच्छे से दोस्तों शार्पनेस आ जाएगी। इसे मैं कुछ इस प्रकार से 22 रख लेता हूँ। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसके अंदर दोस्तों आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके टैंप को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको टिंट को भी कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसकी लाइट को एडजस्ट करने के लिए लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इसको लाइट को एडजस्ट करने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से मैं कंट्रास्ट को डिक्रीज कर लेता हूँ 10 के अराउंड। हाईलाइट्स को डिक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से 50 के अराउंड। फिर दोस्तों आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है 20 के अराउंड। फिर दोस्तों आपको वाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है 15। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ ब्लैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है कुछ इस प्रकार से, इसे दोस्तों आपको 5 का अराउंड रख लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से फेस एंड स्किन दोस्तों गोरा हो चुका था, स्मूथ भी हो चुका है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड ऊपर की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पहले आपका फोटो कुछ इस प्रकार से था ब्लैक, अब देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोरा हो चुका है तथा स्मूथ भी हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से वापस से सेलेक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम कर लेना है। अपने लिप्स पर कलर ऐड करने के लिए वापस से दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश को दोस्तों आपको सिलेक्ट कर देना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको लिप्स पर जहाँ जहाँ दोस्तों आप कलर ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर चला लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से उसी ब्लू डॉट पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से नीचे एक तरफ दोस्तों आपको ह्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से रेड कलर की तरफ ले जाना है। इस प्रकार से ले जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपके लिप्स का कलर कुछ इस प्रकार से रेड कलर में ऐड हो चुका है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड ऊपर की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके लिप्स पर भी कलर ऐड हो चुका है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से फिर दोस्तों आपको इधर की तरफ राइट साइड दोस्तों आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है, टिंट को इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए 30 का अराउंड रख देना है। 32 रख लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसी ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके ह्यू को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है 10 के अराउंड रख लेने के बाद दोस्तों आपको इसके दोस्तों आपको सेचुरेशन को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है 50 के अराउंड। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन ल्यूमिनेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है 50 का अराउंड। इस प्रकार से रख लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे येलो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी सेचुरेशन को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 15 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको ग्रीन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ग्रीन कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके ह्यू को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 50 का अराउंड रख लेना है तथा दोस्तों आपको यहाँ पे सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर, इसके ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको सेचुरेशन को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए दोस्तों आपको 50 का अराउंड रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको कलर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्मूथनेस का, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से फुल्ली इंक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपका फोटो पहले कुछ इस प्रकार से था, अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फोटो एडिट हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप लाइटरूम ऐप से ही अपने फेस एंड स्किन को स्मूथ कर सकते हो व गोरा कर सकते हो। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपने फोटो को HD क्वालिटी में गैलरी में सेव कर देना है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।